सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है इनफाइनाइट। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि इनफाइनाइट होता क्या है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई लिमिट ही ना हो। अगर संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यह बता पाना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या को सबसे बड़ी संख्या कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हम उस संख्या में एक जोड़कर उससे अगली संख्या और उसमें भी एक जोड़कर हम उससे भी अगली संख्या निकाल सकते हैं। तो इस तरह सबसे बड़ी संख्या इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि इसमें अंकों की संख्या कितनी है यह भी बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसमें अंकों की संख्या की भी कोई सीमा ही नहीं होगी, और इसे ही अनंत या इनफाइनाइट कहते हैं, और हम इनफाइनाइट को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं कि 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट यानी कि अनंत कैसे और क्यों होती है। तो सबसे पहले देखिए, यह तो हम जानते हैं कि 1/1 की वैल्यू कितनी होती है, एक है ना। तो देखिए, हर में जो संख्या एक है इसको हम आधा कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 1/0.5 है ना। और 1/0.5 यानी कि एक को अगर हम 0.5 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो देखिए, जब हम एक को एक से भाग देते हैं तब एक मिलता है, लेकिन जैसे ही हम एक को एक के आधे संख्या यानी कि 0.5 से भाग देते हैं तब इसकी वैल्यू दोगुनी हो जाती है। मतलब पहले जो आंसर मिलता है उसका अब दोगुना मिलता है। ऐसे ही अगर हम 0.5 को और आधा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0.25। और जब हम एक को 0.25 से भाग दें यानी कि एक को 1/4 से भाग दें तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलता है। और ऐसे ही अगर हम 0.25 को भी और आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, 0.125 मतलब कि 1/8। तो अगर हम एक को 1/8 से भाग दें तब आंसर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक को छोटी संख्या से भाग देते जाते हैं उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है और बढ़ते जाती है ना। तो अब देखिए, यहाँ हर में जो संख्या है यदि इसको हम आधा करते जाएंगे तो यह संख्या छोटी तो होती जाएगी, शून्य के बहुत करीब भी होगी, लेकिन शून्य हो पाना संभव नहीं है। तो अगर हम हर में जो संख्या है इसको इतना छोटा करते जाएं, इतना छोटा करते जाएं कि इसकी वैल्यू शून्य हो जाए, तो 1/0 की वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी होगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यह संख्या इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि इस संख्या में अंकों की संख्या इतनी ज़्यादा होगी कि इसकी कोई सीमा ही नहीं हो सकती, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। इसीलिए 1/0 की वैल्यू इन्फाइनाइट या अनंत लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो इन्फाइनाइट को समझने में आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।